सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप अपने सैमसंग के किसी भी फोन में सिक्योर फोल्डर कैसे सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, फीचर्स है, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड मेरे पास यहाँ पे जो फोन है ना, ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है, बट सैमसंग का ये एक बजट फोन है, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G, और इसमें भी आपको सिक्योर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। मतलब कि ये जो सिक्योर फोल्डर का फीचर है ना, ये आपको सैमसंग के बजट फोन से लेके प्रीमियम फोन्स तक सारे फोन्स में मिल जाता है, और सारे फोन में आप सिमिलर तरीके से इसको सेटअप करके सिमिलर तरीके से ही यूज कर सकते हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सिक्योर फोल्डर का सेटअप। सिक्योर फोल्डर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग में। सेटिंग में आपको स्वाइप करना है एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग में, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर। जस्ट आपको सिक्योर फोल्डर के ऊपर टैप करना है, कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, अगेन कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, एंड आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। एक बार जब आपका सिक्योर फोल्डर सेटअप हो जाता है, तो फिर आपको सिक्योर फोल्डर के लिए जो है ना लॉक सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डन के ऊपर टैप करते हैं, आपको पिन, पैटर्न एंड पासवर्ड तीनों ही ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप सिक्योर फोल्डर को जो है ना फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इसको इनेबल रखना होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड एक पैटर्न जो है ना यहाँ पे रेंडमली हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, डबल टाइम कन्फर्म पे टैप कर देते हैं। उसके बाद आपको टर्न ऑन रीसेट विद सैमसंग अकाउंट का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। इन केस जो भी आप पिन, पैटर्न, पासवर्ड सेट किए हैं सिक्योर फोल्डर के लिए, अगर वो आप भूल जाते हैं, तो फिर आप सैमसंग अकाउंट के थ्रू जो है ना इसको रीसेट कर सकते हैं। बट उसके लिए जो है ना आपके सैमसंग फोन में आपके सैमसंग अकाउंट के थ्रू लॉगिन होना चाहिए। मेरे फोन में हम अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन किए हुए हैं, तो सिंपली हम यहां पे टर्न ऑन पे टैप कर देते हैं, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट विद सैमसंग अकाउंट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो इन केस जो हम पैटर्न सेट किए हैं, अगर वो हम भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपने सैमसंग अकाउंट के थ्रू जो है ना सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाता है। इनिशियली आपको कुछ सिस्टम एप्स देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कैमरा, इंटरनेट, कॉन्टैक्ट, माई फाइल्स, गैलरी, कैलेंडर एंड नोट्स। अब सिक्योर फोल्डर में जो भी एप्स होता है या जो भी एप्स आप इंस्टॉल करेंगे ना, वो एप्स बिल्कुल फ्रेश एप होता है। आपके फोन में सिक्योर फोल्डर के आउटसाइड जो गैलरी एप है और जो सिक्योर फोल्डर में गैलरी एप है, ये दोनों ही आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे यहां पे अगर हम गैलरी एप को ओपन करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पिक्चर्स या वीडियोस जो है ना सिक्योर फोल्डर के गैलरी एप में नहीं है। उसी तरीके से अगर हम माई फाइल्स एप ओपन करते हैं, तो यहां पे भी जो है ना कोई भी इमेज, वीडियो या किसी भी तरीके का आपको कोई फाइल्स देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपके फोन में आउटसाइड सिक्योर फोल्डर है। बेसिकली ये जो सिक्योर फोल्डर होता है, ये आपके सैमसंग फोन के अंदर ही एक और सिक्योर फोन होता है जिसमें आप हर एक ऐप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको सिक्योर फोल्डर में किसी भी ऐप को ऐड करना है, तो प्लस के ऊपर टैप करना है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं सिक्योर फोल्डर में। गैलेक्सी स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं सिक्योर फोल्डर में, या फिर आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किसी ऐप को एज अ फ्रेश ऐप या एज अ न्यू ऐप आप सिक्योर फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम कुछ ऐप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिए, अमेज़न ऐप सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐप जो है वो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। एंड इसी ऐप लिस्ट में अगर आप सबसे नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एप्स हिडन इन सिक्योर फोल्डर, जिसमें आपको क्रोम और मैप्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहां से आप इन दोनों एप्स को भी इनेबल कर सकते हैं, एंड ऐड के ऊपर अगर हम टैप करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो भी एप्स हम ऐड किए हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है मेरे सिक्योर फोल्डर में। इसी तरीके से प्लस के ऊपर टैप करके, डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर के ऊपर टैप करके भी आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली जो है ना सिक्योर फोल्डर में एप्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि हम आपको बताएं कि जो सिक्योर फोल्डर होता है ना, वो आपके सैमसंग फोन के अंदर ही एक न्यू सिक्योर फोन होता है, तो यहाँ पे प्ले स्टोर यूज करने के लिए अगेन आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा, और वो गूगल अकाउंट जो आप अपने सैमसंग फोन में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आप उससे भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, या किसी न्यू गूगल अकाउंट से भी यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। एंड एक बार जब आप गूगल अकाउंट से सिक्योर फोल्डर में प्ले स्टोर में लॉग इन कर लेते हैं ना, उसके बाद आप किसी भी ऐप को जो है ना डायरेक्टली प्ले स्टोर से सिक्योर फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप इंस्टॉल हो गया, एंड यहाँ पे अगर हम वापस से सिक्योर फोल्डर में आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप जो है वो ऐड हो चुका है। एंड किसी ऐप को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है, तो जैसे आप नॉर्मली अपने फोन में अनइंस्टॉल करते हैं, टैप एंड होल्ड करके अनइंस्टॉल पे टैप करके, इस तरीके से आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिक्योर फोल्डर में जो कैमरा ऐप मिलता है,
है, अगर आप इस कैमरा ऐप का यूज़ करके कोई भी फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करते हैं तो वो फ़ोटो या वीडियो जो है ना वो सिर्फ आपके सिक्योर फोल्डर के गैलरी में ही शो करेगा, बट सिक्योर फोल्डर में कैप्चर किए गए फोटो या वीडियो को भी जो है ना आप मूव आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं तो सबसे पहले आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो शॉर्ट में आपको कस्टम ऑर्डर मिलता है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टैप करने पे अल्फाबेटिकली एप्स अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लॉक एंड एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करते ही आप सिक्योर फोल्डर से बाहर आ जाएंगे एंड आपका सिक्योर फोल्डर जो है वो लॉक हो जाएगा। एंटर करने के लिए आपको पैटर्न यूज करना पड़ेगा या अपना फिंगरप्रिंट जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनक्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से आप सिक्योर फोल्डर के एप्स एंड डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आपको वापस से सिक्योर फोल्डर को यूज करना है तो पहले आपको जो है ना इस तरीके से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी पैटर्न है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और अब आप सिक्योर फोल्डर को इस तरीके से यूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐड फाइल्स का ऑप्शन मिलता है, तो किसी भी टाइप का फाइल है जो आपके फोन में सिक्योर फोल्डर के बाहर है उसको अगर आप सिक्योर फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं, चाहे कोई फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या डॉक्यूमेंट हो, तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इमेज के ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जितना भी इमेजेस है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से हम एक एल्बम ओपन कर लेते हैं एंड कुछ फोटोज यहाँ पे हम रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, डन के ऊपर टैप कर देते हैं तो आपको यहाँ पे कॉपी एंड मूव का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि जो फोटोज या वीडियोस या जो भी फाइल्स है जिनको आप कॉपी करेंगे वो आपके फोन में सिक्योर फोल्डर के बाहर भी अवेलेबल रहेगा और सिक्योर फोल्डर में भी रहेगा। अगर आप मूव कर देते हैं तो वो सिर्फ सिक्योर फोल्डर में रहेगा, सिक्योर फोल्डर के आउटसाइड आप उस फोटो, वीडियो या उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब जो भी फोटोज हम सिक्योर फोल्डर में ऐड किए, अगर हम यहाँ पे गैलरी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो सारा फोटोज जो है ना यहाँ पे डेट वाइज हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप कोई भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप ऐड फाइल्स के ऊपर टैप करते हैं ना तो आपके फोन में सिक्योर फोल्डर के बाहर जो माई फाइल्स ऐप है आप डायरेक्टली उसको भी यहाँ पे माई फाइल्स के ऊपर टैप करके एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ से भी जो है ना आप जो भी इमेजेस है वो, वीडियोस जो भी आपके फोन में है वो, ऑडियो फाइल्स है वो, डॉक्यूमेंट्स जो है, एंड किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अगर आपको मूव करना है सिक्योर फोल्डर में तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भी रैंडमली, हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लिए, डन के ऊपर टैप कर देते हैं, कॉपी या मूव का ऑप्शन मिलता है, मूव कर देते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो अब सिक्योर फोल्डर में मूव हो जाएगा। 5 फाइल्स मूव्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जो सिक्योर फोल्डर में आपको माई फाइल्स ऐप मिलता है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में वो 5 फाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी टाइप के फाइल को जो सिक्योर फोल्डर से बाहर है उसको सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। अब किसी भी टाइप के फाइल को अगर आपको सिक्योर फोल्डर से बाहर निकालना है तो जैसे यहाँ पे अगर हम गैलरी में जाते हैं, अब यहाँ से जो है ना हमको ये 3 फोटोज को सिक्योर फोल्डर से बाहर निकालना है, तो जस्ट इन 3 फोटो को हम सेलेक्ट कर लिए, मोर के ऊपर टैप करेंगे, मूव आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये 3 फोटो जो है ना जिस लोकेशन से सिक्योर फोल्डर में आया था वापस से उसी लोकेशन पे उसी एल्बम में सिक्योर फोल्डर से बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे ऐड किए थे, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए, 3 डॉट्स पे टैप किए तो यहाँ पे भी मूव आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, टैप करेंगे तो जिस लोकेशन से ये फाइल्स मेरे सिक्योर फोल्डर में आया था सेम उसी लोकेशन पे जो है ना ये वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने फोन में अवेलेबल किसी भी टाइप के फाइल को सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हैं एंड सिक्योर फोल्डर में अवेलेबल किसी भी टाइप के फाइल को आप सिक्योर फोल्डर से बाहर प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से आप सिक्योर फोल्डर के ऐप आइकन को चेंज कर सकते हैं, काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद ऐप आइकन का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड जो ऐप नेम है ना वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना हो वो करने के बाद आप अप्लाई के ऊपर टैप कर देंगे एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं ऐप ड्रॉअर में तो आप देख सकते हैं कि अब जो सिक्योर फोल्डर था इसका नेम भी चेंज हो गया, जो ऐप आइकन था वो भी चेंज हो गया, ऐप आइकन का जो कलर था वो भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर का सेटिंग मिल जाता है जहाँ पे सबसे पहले आपको लॉक टाइप का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से जो है ना आप अपने सिक्योर फोल्डर का जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने सिक्योर फोल्डर को फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन में सैमसंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो रीसेट विद सैमसंग अकाउंट के ऑप्शन को अगर आप इनेबल रखते हैं तो इन केस अगर आप अपना पिन, पैटर्न, पासवर्ड सिक्योर फोल्डर का भूल जाते हैं तो भी आप अपने सैमसंग अकाउंट के थ्रू जो है ना सिक्योर फोल्डर के पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेक पैटर्न विजिबल का, तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है तो आप जब भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से लाइंस जो है वो विजिबल रहेगा, बट अगर आप मेक पैटर्न विजिबल को डिसेबल कर देते हैं तो फिर जब आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो पैटर्न जो है वो विजिबल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर
होल्डर का जो कि बाय डिफॉल्ट लॉक ऑटोमेटिकली व्हेन स्क्रीन टर्न्स ऑफ पे सेलेक्टेड रहता है, अगर इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं और उसके बाद अगर हम सिक्योर फोल्डर से इस तरीके से बाहर आते हैं, वापस से अगर हम सिक्योर फोल्डर में एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ना ही हमको पैटर्न एंटर करना पड़ा, ना ही यहाँ पे हमको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ा। और ये सिक्योर फोल्डर तब तक अनलॉक रहेगा जब तक आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ करके या लॉक करके एक बार अनलॉक ना करें। अब अगर हम यहाँ पे सिक्योर फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको पैटर्न यूज करना पड़ेगा या फिर फिंगरप्रिंट यूज करना पड़ेगा सिक्योर फोल्डर यूज करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिक्योर फोल्डर से एग्जिट करें एंड इंस्टेंटली आपका सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाए, तो उसके लिए जो है ना आपको अगेन सेटिंग में आना होगा एंड इस ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर के ऑप्शन पे टैप करके ईच टाइम आई लीव एन ऐप के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सिक्योर फोल्डर से इस तरीके से एग्जिट करते हैं एंड वापस से एंटर करने का ट्राई करते हैं, तो हमको या तो पैटर्न देना पड़ेगा या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। तो सेटिंग में अगर आप ये चेंज करेंगे तो जब भी आप सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिक्योर फोल्डर के सेटिंग में ऑप्शन मिलता है ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन। अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है तो आपके ऐप स्क्रीन में जो है ना सिक्योर फोल्डर इस तरीके से शो करेगा। ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन को डिसेबल कर देते हैं, हाइड के ऊपर टैप कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिक्योर फोल्डर हाइड हो गया मेरे फोन के ऐप स्क्रीन में से। अब अगर आपको सिक्योर फोल्डर को वापस से ऐप स्क्रीन में ऐड करना है या सिक्योर फोल्डर को यूज करना है, तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में जाना होगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में, मोर सिक्योरिटी सेटिंग में सिक्योर फोल्डर पे टैप करना होगा और इसको अनलॉक करना होगा। उसके बाद आपको ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन को इनेबल करना होगा, तभी जो है ना आप सिक्योर फोल्डर को वापस से इनेबल कर पाएंगे ऐप स्क्रीन में एंड यूज कर पाएंगे। या फिर अगर आप ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन के ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं एंड इसको हाइड कर देते हैं, तो एक और तरीका होता है सिक्योर फोल्डर को इनेबल करने का, अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन कर लीजिएगा, पेंसिल आइकन पर टैप कीजिएगा। हम One UI 6 यूज कर रहे हैं तो थोड़ा लेआउट में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आप One UI 5.1 यूज कर रहे होंगे तो। उसके बाद एडिट के ऊपर टैप कीजिएगा, जो भी अवेलेबल स्विचेस या बटन्स है ना, यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर का एक स्विच देखने के लिए मिलेगा, इस स्विच को जो है ना ड्रैग करके आप अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर लीजिएगा, डन के ऊपर टैप कर दीजिएगा। अब अगर हम कंट्रोल सेंटर में से जो यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का स्विच है इसके ऊपर टैप करते हैं, तो इस तरीके से हम सिक्योर फोल्डर को जो है ना डायरेक्टली ऐप ड्रॉअर में इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। अब इसके ऊपर टैप करके वापस से हम सिक्योर फोल्डर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे हम आपको जो है ना एक बटन शॉर्टकट भी बताएंगे जिसके थ्रू आप इजीली सिक्योर फोल्डर को इनेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग में नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप हाइड कॉन्टेंट को इनेबल रख सकते हैं, इससे आपके सिक्योर फोल्डर में जो भी एप्स है उनका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हिडन रहेगा। या फिर अगर आप हाइड कॉन्टेंट को डिसेबल रखते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड कॉन्टेंट व्हेन सिक्योर फोल्डर इज लॉक्ड का ऑप्शन मिलता है। उस कंडीशन में अगर आपका सिक्योर फोल्डर लॉक्ड है तो सिक्योर फोल्डर में जो भी एप्स है का नोटिफिकेशन कंटेंट जो है वो हिडन रहेगा। बट अगर सिक्योर फोल्डर अनलॉक्ड है तो जो भी ऐप सिक्योर फोल्डर में है उनका नोटिफिकेशन का जो कंटेंट है वो हिडन नहीं रहेगा, वो शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में इंपॉर्टेंट मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप जो है ना अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अपना गूगल अकाउंट, अपना सैमसंग अकाउंट या और भी जो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं एंड अपने डेटा को उस अकाउंट के साथ आप सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो सिंक सिक्योर फोल्डर डेटा को इनेबल करके। एंड लास्ट यहाँ पे आपको मोर सेटिंग में जो है ना सिक्योर फोल्डर में सैमसंग पास, प्राइवेट शेयर जैसा फीचर देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आपको अपने सिक्योर फोल्डर को अनइंस्टॉल करना है, रीसेट करना है, डिलीट करना है, तो आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, टैप करके आप सिक्योर फोल्डर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी एप्स एंड डेटा है सिक्योर फोल्डर में वो सब डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में नोट्स ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक नोट्स हम क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जिसको हम क्विकली जो है ना कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट को कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे जो दूसरा लिंक था इसको भी हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे जो है ना आपको सैमसंग के कीबोर्ड में क्लिपबोर्ड का फीचर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो दो लिंक हम कॉपी किए हैं वो क्लिपबोर्ड में शो कर रहा है। एंड यही दो लिंक जो हम सिक्योर फोल्डर के नोट्स एप्लीकेशन में से कॉपी किए हैं, इसको अगर हम सिक्योर फोल्डर में ही कहीं और यूज करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम ब्राउजर ओपन करते हैं, ब्राउजर में यहाँ पे अगर हम लिंक को पेस्ट करना चाहते हैं क्लिपबोर्ड में से, तो यहाँ पे हम इन दोनों लिंक में से किसी भी एक लिंक को जो है ना इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे सिक्योर फोल्डर से बाहर आ जाते हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन करते हैं एंड यहाँ पे जो है ना हम सेम लिंक को अगर क्लिपबोर्ड से कॉपी करना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि वो सेम लिंक जो हम सिक्योर फोल्डर में से कॉपी किए थे वो यहाँ क्लिपबोर्ड में शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप सिक्योर फोल्डर में से कॉपी करें क्लिपबोर्ड में वो आपके शो करे जब आप सिक्योर फोल्डर में ना हो तब भी, तो उसके लिए जो है ना आपको सिक्योर फोल्डर में आना होगा, थ्री डॉट्स पे टैप करके सिक्योर फोल्डर के सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पे आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग में अलाउ क्लिपबोर्ड को इनेबल
करना पड़ेगा। इसके बाद वापस से अगर हम सिक्योर फोल्डर से बाहर जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम क्लिपबोर्ड से कॉपी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो सिक्योर फोल्डर से लिंक हम कॉपी किए थे वो अब यहाँ पे शो करने लगा है। नेक्स्ट, अगर आप सिक्योर फोल्डर यूज कर रहे हैं तो आपके सिक्योर फोल्डर में काफी सारा एप्स होगा, काफी सारे एप्स का डेटा होगा, इसके अलावा गैलरी में या फिर बहुत सारा और भी फाइल्स होगा आपके सिक्योर फोल्डर में, और वो सब फाइल्स या सिक्योर फोल्डर में जो भी एप्स एंड डेटा है वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज स्पेस का, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको सिक्योर फोल्डर से बाहर आ जाना है एंड अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको डिवाइस केयर सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस पे टैप करेंगे, शो मोर के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सिक्योर फोल्डर कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप सिक्योर फोल्डर के ऊपर टैप करते हैं ना तो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज डॉक्यूमेंट कितना स्पेस कंज्यूम किया हुआ है, रिसाइकल बिन में कितना स्पेस है, एप्स कितना स्पेस कंज्यूम किया हुआ है, वो सब आप देख पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग था सिक्योर फोल्डर से रिलेटेड। अब हम आपको बता दें कि ये जो भी एप्स आप सिक्योर फोल्डर में ऐड करेंगे वो एप्स आपके फोन में आउटसाइड सिक्योर फोल्डर जो एप्स है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे अगर हम WhatsApp ओपन करते हैं तो यहाँ पे एकदम फ्रेश न्यू WhatsApp है जिसको हमको सेटअप करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम Amazon ऐप ओपन करते हैं तो इसमें मेरे अकाउंट से साइन इन नहीं किया हुआ है, एकदम न्यू Amazon ऐप हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बट वहीं पे अगर हम सिक्योर फोल्डर से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो WhatsApp हम यूज कर रहे हैं ये मेरा WhatsApp है एंड इस WhatsApp का और जो सिक्योर फोल्डर में WhatsApp है उसका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से ये मेरा Amazon अकाउंट है जिसमें हम ऑलरेडी साइन इन किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप किसी भी ऐप को एज अ डुअल एप्स यूज कर सकते हैं, एक ऐप आपके फोन में आउटसाइड सिक्योर फोल्डर रहेगा और एक ऐप आपके फोन में इनसाइड सिक्योर फोल्डर रहेगा। और कोई ऐसा ऐप है जिसको आप लॉक्ड रखना चाहते हैं तो उस ऐप को आप सिर्फ सिक्योर फोल्डर में भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो इस सिक्योर फोल्डर का ही यूज करके जो है ना आप अपने सैमसंग फोन में किसी ऐप को लॉक्ड भी रख सकते हैं। अब कोई ऐसा ऐप है जो आपके फोन में सिक्योर फोल्डर में भी है और आउटसाइड सिक्योर फोल्डर भी है तो किसी भी एक जगह से अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे ना तो वो दूसरे जगह पे अनइंस्टॉल नहीं होगा। जैसे कैलकुलेटर ऐप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में भी है और अगर हम अपने फोन के ऐप ड्रॉअर में जाते हैं यहां से अगर हम कैलकुलेटर ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटर ऐप है वो मेरे फोन में से अनइंस्टॉल हो गया। बट अगर हम यहां पे जाते हैं सिक्योर फोल्डर में तो यहां पे कैलकुलेटर ऐप एज इट इज है। अब लास्ट यहां पे सैमसंग के सिक्योर फोल्डर को क्विकली एक्सेस करने का एक शॉर्टकट भी है जो आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना होगा, सेटिंग में एडवांस फीचर में साइड बटन में एंड यहां पे आपको डबल प्रेस का ऑप्शन मिलता है जिसमें बाय डिफॉल्ट क्विक लॉन्च कैमरा जो है वो असाइन रहता है। बट हम यहां पे ओपन ऐप जो है वो असाइन कर देते हैं, यहां पे सेटिंग में जाते हैं, जो भी एप्स मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है उसमें से किसी भी एक ऐप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम अपना सिक्योर फोल्डर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब किसी भी स्क्रीन पे अगर हम इस पावर बटन को डबल टैप करते हैं तो इस तरीके से जो है हम सिक्योर फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे भी अगर हम इस पावर बटन को डबल टैप करते हैं तो इस तरीके से हम सिक्योर फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था सैमसंग का सिक्योर फोल्डर, कैसे आप इसको प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स था सिक्योर फोल्डर से रिलेटेड सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। S21 FE से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।